तब हुआ से चल दिए, चल रख दिए हैं फूल लोटा में कह और कपड़ा बदले गए हैं। बाला रघुनाथ बलिया में रुके हैं, वहाँ के सब देवता कल जोड़ का खड़ा हो गया। पटना में रुके तो पटना देवी खड़ा हो गया, वहाँ से चले तो है शिवराधाम दरियावत। भगवान शिव और पार्वती से हम थोड़ा संक्षेप में बताते हैं और बताएंगे दादाजी। भगवान शिव और पार्वती माता का धरती पर जब अवतरण हुआ था, झिंझरी जो बोलते हैं खेल हो रहा था, उसमें पुष्प से एक बालक तैयार किया, पुष्प से बालक तैयार किया, उनको बोले कि जाओ तुम भी बाहर, गए नाव से घूम कर जब आए तो उनको बोले कि इनका कुछ नाम दे दिया जाए, वह नाम अमर रख दिया, इसलिए अमर सिंह हो गया। अब अमर सिंह जब नाम हो गया दिल्ली की तरफ, जब पहले उस टाइम जो आदमी अभी बोलते हैं दिल्ली, वहाँ पर एक माता थी ज्ञान माता जो बोलते हैं, वो जब एक का तालाब हो या जो नदी हो उसमें पूजा करने जाती थी, तो यह जो पुष्प था, यह पुष्प दूसरा आदमी जब पूजा करने जाता तो पुष्प उनसे दूर चला जाता था, और जब ज्ञान माता जाती थी तो पुष्प भी इनके पास चला आता था। और तो वह पुष्प ज्ञान माता उठा ली, घर में जब रखी तो उस पुष्प से एक बालक निकल आया। तो इसका कहानी हुआ कि जब बालक निकल गया तो गाँव के लोग उन पर दबाव कीजिए कहाँ से बालक आ गया, यही ना। उसके बाद दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अभी हम आए हुए हैं सिवड़ा, सिवड़ा का यह नगरी है, देखिए पीछे मंदिर है, और इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। आपको हम जो यहां पर स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे और कुछ महिलाएं हैं उनसे भी, पहले इस मंदिर का इतिहास जान लेते हैं कि ये कब से यहाँ पर लोगों के नज़र में, या जो एक दैविक शक्ति है यहाँ पर, एक कुआं भी है यहाँ पर जिसका मान्यता है पूरे बिहार से, या बोल सकते हैं अगल बगल जो राज्य वहाँ से यहाँ पर लोग आते हैं। तो चलिए हम लोग जो यहाँ पर हैं स्थानीय लोग उनसे बात करते हैं। आ गए हैं हम यहाँ पर, देखिए बाबा हैं, उनसे बात करेंगे कि सबसे पहले तो बाबा आप बताइएगा कि जगह कौन है। सिवरा है, सिवरा अमर सिंह स्थान, अमर सिंह सिवरा अमर सिंह स्थान कौन से प्रखंड में पड़ता है? जी जी बोलिए, कौन से प्रखंड में पड़ता है? समस्तीपुर जिला में। समस्तीपुर जिला के कौन से प्रखंड में, ब्लॉक कौन है? ब्लॉक पटोरी, पटोरी ब्लॉक में, यानी कि विधानसभा इसका मुरबा हो, महदीनगर विधानसभा में, यानी कि धमोन उमन का क्षेत्र पड़ जाता है कि पूरा, अच्छा धमोन का क्षेत्र है, यानी कि महदीनगर विधानसभा में पड़ता है। हम आए थे जानकारी लेने के लिए, ये मंदिर जो यहाँ पर है, हम लोग जब छोटे थे तब से जानते हैं सिवरा सिवरा, और एगो तक कुआं है सो, इसके बारे में थोड़ा हम लोग और जो हमारे दो दर्शक हैं उनके बताइए, क्योंकि दिलचस्पी रहता है। भगवान जो है, पहले जो हम लोग ही थे तो कहते कि भगवान है, पूजा कर लिए चले जाते थे, लेकिन अब रुचि जगता है कि देश प्रदेश में जितना भी मंदिर हो वहाँ पर सब जाता है लोग, और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। हमारे माध्यम से जितना हमारे चाहने वाले हैं, चाहे वीडियो देखते हैं, भगवान में जिनको विश्वास है सबके पास ही जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कब से बना है, कैसे इस पर आदमी का विश्वास जगा? इसमें आए शंकर और पार्वती झिंझरी खेलने लगे जी, झिंझरी खेलते खेलते ये लोग अपना स्थान धरने चले गए जी। तो कहें कि एक बालक रहा था तो झिंझरी खेलने में बढ़िया बनता, तो बालक बनाए माया से, माया से बालक बना कर छोड़ दिए कमल का फूल से, नहीं कमल का फूल से नहीं, तो चले गए ना। नाव लेकर चला गया वहाँ उस पार, नाव लेकर चले गए उस पार जी, नाव चला चला गए, तब शंकर भगवान चले गए फिर लग पार्वती थे, तो कहे कि ऐसा नाव ले जाओ तुमको नाम धरेगा, तब नाव लेकर आना, तो नाम धरे अमर सिंह, अमर नाव लेकर आया, तीन फुकी मारे तो बालक नाव लेकर आया है फिर शंकर जी के लगे पास। तो शंकर बालक उनका अपना बच्चा था? नहीं अपना बच्चा नहीं था, माया के बनाया, माया के बनाया से बनाए थे, यानी कमल के फूल से? हाँ नहीं कमल के फूल से नहीं, कमल में पैदा करवाए हैं, कमल से ही निकला वो बच्चा? हाँ बच्चा निकला कमल के फूल से, बच्चा निकला, तो वहाँ से भेजे तो इनको नाम रखा देंगे अमर का, जाओ तुम कटेगा नहीं मरेगा, दुनिया के भ्रमण करेगा। तो वहाँ चल दिए इनको कमल के फूल में माया के, फिर बालक बना अथी अथी बना कर फूल में छोड़ दिए, फूल बना कर गया दिल्ली, दिल्ली राज में,
दिल्ली राज में ज्ञान माता उस समय में दिल्ली का मतलब ऐसे कहानी के तौर हाँ, पर हाँ, वो हुए से चलबे किए हैं डायरेक्ट। अच्छा, दिल्ली से डायरेक्ट चलबे किए हैं, पर यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली। अब बचपन से जा रहे हैं दिल्ली से ही, अब फूले में लेकर फूल में गए तो ज्ञानो माता सतपथी थी, सब दिन गंगा स्नान 4 बजे भोर में स्नान करते थे। तो गया तो देखा कोई रेत रहता तो भाग जाता, तो उनको पास में जाने के था बालक, सब सखी जाए धरे तो भाग जाता बाहर फूल। ज्ञानो माता गए तो फूल भी दौड़ रहता है, खूंचा ऐसे भरे तो खूंचा में चले गए। ज्ञानो माता के लगे। ज्ञानो माता अभी कौन हो गए? मलाहीन है वो भी। अच्छा, हाँ, तो वही पूरा तनी जानकारी। हाँ, मलाही है। ज्ञान माता एगो मलाही मलाहीन है। हाँ, कुमारी है। हाँ, उनका फोटो भी है। अच्छा, फोटो भी है। हाँ हाँ, आ तब वहाँ से चल दिए, चल कर रख दिए हैं फूल लोटा में कहकर, और कपड़ा बदले गए, बालक तैयारी हो गया। अच्छा, फूल है नहीं है, बालक है, लगा से बालक नहीं, बालक लेकर गए। तो जहाँ चाहे कहा कि भाई हम सतवर्षी हैं तो पूरा पंचायत पकड़ेगा। आ तब उनको मामा थे, मामा लगे और उनका पिताजी थे, तो कहा कि ऐसा है से हमको तो पकड़ेगा सब कुछ, हम जानकारी हैं। तो पंचायत बोले, सब सखी के बुला लिया, कल के देखो इसमें कोई कोई गड़बड़ी नहीं है, फूल से इनका पैदा है, फूल लाए हम लोग साथ में, फूल न पता हो गया, फूल है कहाँ, ये बालक पैदा हो गया फूल से। तो सब पंचायत बंद हो गया, इनका अमर का नाम रखा गया। तो राजा के जहाज नैया जहाज नहीं खुल रहा था, तो सब पंडित के बंद करके रखे हुए था वो दिल्ली के राज। तो एगो झुनकुट बहुत पुराना पंडित मिला था, कहा कि जो को भेल बाप का लड़का होगा उसको बलि दीजिएगा तो जहाज ही पनिया आ जाएगा। तो अब कहा कि पता लगा तरफ तो गांव में जानकारी हो जाता है कि बाप का लड़का ते कई जगह है। तो उनको पास गया पुलिस, तो ये बालक कुछ इतना हुआ कुछ इतना हुआ कुछ इतना हुआ दम बरसते जा रहा था अंतर। तो आया तो वहाँ पुलिस गया दूरा से तो देख लिया बालक, तो आगे कहा कि अब माए पोस लिया तो माए के दुख तो होबे करेगा कुछ तनी सा, माए मैं मलिन है, मुँह मलिन का है, कौन चीज की है से आप बताइए कह कर, तब खाना खाएंगे तो नहीं खाएंगे हम। तो अब कहा कि देखो अमर से तुम्हारा पुलिस आया था बलि देने के लिए, ए माँ यह ले तुम झक रहे हो, हमको बलि नहीं देगा, क्या करेगा ना करेगा सो हम न समझेंगे, तुम चिंता नहीं करो, बुलाओ उसको, खबर दो के लेकर चले गए जहाज पर। तो खबर गया तो जहाज पर ये लोग दोनों मामा सिंगरा अज्ञान माता गए, गाकर नाव पर बैठे, माए के नाव पर बैठा दिए, कही माँ तुम नाव पर बैठ जाओ। तेरे साम उठा सटा है तो लग गया घूंघिया है अपना मोने से घूंघा गया। तब वो कहा कि बीच रहता में रुकेगा सब, तब पर घुमा उमा के ले आए, कल के बीच रहता में घूम जाएगा तो क्या होगा, ये कैसे करके ठीक है सब एक चक्कर आओ लगा के आते हैं। बस अमर सिंह लेकर दिल्ली से फिदार हो गए, दिल्ली से चल चल दिए, बहुत जगह रुके, भीरगुनाथ रुके, वो है ये क्या कहते हैं भीरगुनाथ में रुके, बलिया में रुके, वहाँ का सब देवता कल जोड़ का खड़ा हो गया, पटना में रुके पंडित देवी खड़ा हो गया, वहाँ से चले तो ये शिवराधाम दरियावत है, यहाँ पर दरियाव में रुक उस टाइम घाट उस जगह पर ला का ये नाव लगा दिए। अच्छा, यहीं पर नाव लगा दिए। हाँ, नाव लगा कर उनकी स्थापना जहाँ दूध फूल चढ़ रहा है वो एक पवित्र जगह है, वहाँ पर नाव लगा दी। लेकिन हम नाव का तो खिस्सा ये कुआं का सुनते हैं कि कुआं में नाव है सोने का ऐसा कुछ, कुआं में है नहीं ना, नाम जानते हैं कुआं में नाव है हुए पर। अच्छा, नाव है उसी में। हाँ, नाव है हुए पर, मंदिर का मंदिर है स्थापना तो ही है वहाँ पर जो लिंग है वहाँ बस। हाँ, उनको सिक्कर है यहाँ पर। अच्छा, सिक्कर है यहाँ, सिक्कर पर है यहाँ सुमार जहाज का सिक्कर रहता है, सिक्कर निकला गया उसमें लाइन सिक्कर के दिखा कि यहाँ से लगा हुआ है, तो बाबा के हुआ सिक्कर है जहाज लेकर बैठ गए। तो मतलब ये तो सदियों का कहानी हो गया, बहुत दिन की कहानी है, कितना बहुत पुराना कहानी है, उतना कहानी बना गया कि जब यहाँ पर दरियाव था, दरियाव था तो जब हम लोग को तो पता नहीं कि हम लोग को तो दरिया उधर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो वही ना करे, अब हमसे पुरानी आई अभी, ये भी इनको इनको पहले की बात है, बहुत पहले की। जी हाँ, बहुत पहले की बात, आप लोग छोटे थे उस सब भी उस टाइम
इस सब पर पानी उनी था कि ना? ना ना वो टाइम ना हमरा आपसे बहुत पहले के बात है। जैसे बताएं कुछ आदमी को जो देखेगा, पहले तो बताए यहाँ जिक्र किए शंकर भगवान और पार्वती जी का, जिससे पुष्प है, पुष्प से एक बच्चा निकला, बच्चा निकला, उसको बोले कि जाओ घूम कर आओ नाव में बैठ करके, घूमे टहले, टहल उहल कर वहाँ से आ गए, आ गए, आ कि बालक के क्या कीजिएगा। हाँ। पार्वती बोले हाँ। तो कह के ऐसा जगह भेजेंगे कि फिर ये अमरे रहेगा। अच्छा, फिर अमरे रहेगा, इसलिए उनका नाम अमर रख, अमर रख दिए, ऐसा जगह भेजे जो अमर रहे, अमर रहे, इनको दस पंच पूछेगा सब भलाई करेंगे। तो इसका मतलब ये तो भगवान से कौन युग, त्रेता युग, सतयुग, ये सब बोल रहे हैं, कलयुग अभी चल रहा है, तो ये सब द्वापर युग उस समय का ही बात है, मंदिर हाँ, का मतलब उसी समय, उसमें था। उसके बाद आप बोले कि फिर दिल्ली का इसमें कहाँ, दिल्ली से न चले हैं, हुए से अमर सिंह बन कर चले हैं, का जगह न मिले, जगह सूद मिले नहीं के एठुर सरियक दूर में, थोड़ा दूर में जगह मिले न ओटून से नैया नया नया हो, ये है नैया के या जहाज के छोड़ल फिर कनगुड़िया उड़ी से, कनगुड़िया उड़ी से न, हाँ कनगुड़िया उड़ी से जहाज के खुलल फिर शंकर जी, ये खोला कि बाबा अमर सिंह वहाँ से, हाँ, दिल्ली से, हाँ, अच्छा मतलब कि पहले के राजा के साथ जहाज, हाँ, वो कनगुड़िया और छटा यहाँ लेकर बैठ गए अपने मामा माय के बैठा भी नहीं, जब रास्ते में आए, हाँ, जहाँ पर सब जहाँ जहाँ देवता था वहाँ रोके जरूर, लेकिन कल जरूर पर कहूँ पर नहीं रुके हैं कि आप रह जाएगा हमको मान खत्म हो जाएगा। अच्छा, पटना में बैठे तो पटन देवी आकर खड़ा हो गया, करके आप बैठ जाएगा तो हमको मान खत्म हो जाएगा, यानी कि जहाँ को कहूँ पर नहीं मिले था, जहाँ मतलब कि सीधा कहने की जहाँ जहाँ भगवान थे वहाँ पर गए, हाँ, मिलने के लिए रहे, हाँ, हाँ, हमको यहीं पर स्थान दीजिए, हाँ, लेकिन बोले कि आप रहिएगा, आप इतने पवित्र हैं, हाँ, कि हमारा स्थान थोड़ा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए उनको वहाँ से छोड़ते गए, यही जगह पर इनका पवित्र जगह तो नहीं मिला। यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर भगवान का कोई वास नहीं, कोई वास नहीं, दरियाव थे, पूरा दरिया दरियाव थे, कोई वास नहीं था, तो उसी पर लेगा वो नाव के बोर दिए, अपने आप बोर के भी पेड़ दत्मन का रख दिए, बोर के पेड़ जला। अच्छा, इसमें वो ज्ञान माता देवी, ज्ञान माता, ज्ञान माता, ज्ञान माता, उनका क्या अथी संबंध है कि उन्हीं, उनका ही बच्चा वो जो उन्हीं के, हाँ, फूल के पैदा हुआ, उन्हें खोइचा मिले के फूल आए। अच्छा, वो जो शंकर भगवान जो दिए थे बालक निकले, हाँ, फिर दिल्ली, हाँ, की तरफ, दिल्ली में भेज दिए, और वहाँ से फूल जो लिए ज्ञान माता जी, ज्ञान फूल ले हैं, तो उनके फूल रखे घर में, तब हाँ, बालक हो गया फूल से। अच्छा, घर में ज्ञान माता फूल रखे लोटे में, हाँ, एक और इसमें आप बात बोले थे कि जब जाते थे ज्ञान माता ना, तो फूल पास में आ जाता था, हाँ, वो पानी से और पहले और सब जाता था, हट जा, हट जा, दूसरा जाता पकड़ने, जब ये जाएंगे पकड़ने तो हट गया, अब भी जाने पकड़ने तो हट जाते थे, जो सतवर्षी थे ज्ञान माता गए आंचरा फैले तो फूल भी दौड़ चले आया, आंचर में घुस गए। ज्ञान माता कौन से सात समुदाय से थे? मलाहे हैं, मल्ला है, तो रख लें खोइचा में आवास होकर डूबी लगा कर अपना चल दिए अपना माहौल में। चलिए और हम बात इधर बताएंगे, पहले थोड़ा समझ लीजिए इस कहानी का, भगवान शिव और पार्वती से हम थोड़ा संक्षेप में बताते हैं और बताएंगे दादाजी। भगवान शिव और पार्वती माता का धरती पर जब अवतरण हुआ था, झिंझरी जो बोलते हैं खेल हो रहा था, उसमें पुष्प से एक बालक तैयार किया, पुष्प से बालक तैयार किया, उनको बोले कि जाओ तुम भी बाहर, गए नाव से घूम कर जब आए तो उनको बोले कि इनका कुछ नाम दे दिया जाए, वह नाम अमर रख दिया, इसलिए अमर सिंह हो गया। अब अमर सिंह जब नाम हो गया दिल्ली की तरफ, जब पहले उस टाइम जो आदमी अभी बोलते हैं दिल्ली, वहाँ पर एक माता थी ज्ञान माता जो बोलते हैं, वो जब एक का तालाब हो या जो नदी हो उसमें पूजा करने जाती थी, तो यह जो पुष्प था, यह पुष्प दूसरा आदमी जब पूजा करने जाता तो पुष्प उनसे दूर चला जाता था, और जब ज्ञान माता जाती थी तो पुष्प भी इनके पास चला आता था, और तो वह पुष्प ज्ञान माता उठा ली, घर में जब रखी तो उस पुष्प से एक बालक निकल आया। तो इसका कहानी हुआ कि जब बालक निकल गया तो गाँव के लोग उन पर दबाव कीजिए, कहाँ से बालक आ गया, यही ना, उसके बाद वहाँ से वो बालक चल दिए, बालक अपना साथ में राजा के फिर जहाज लेकर भागे, जो बालक राजा का जहाज, जहाज, हाँ, हुए से बालक के जहाज लेकर वहाँ से चले हैं, वहाँ दिल्ली का जो राजा के राजा था उनका जहाज। अच्छा, वो बालक पनिया पानी में नहीं जाता था, कितनो ठिलने से ठिलाता था, नहीं वो, अच्छा पानी में जहाज नहीं जाता था, नहीं, अंगूठा सटाने से बस इनको खुल गया।
लेकर वहाँ से चल दिए अपना आस्था। एक और बात है कि बालक जो जहाज राजा का वहाँ का जहाज लेकर भागे, कितना आदमी कोशिश किया उस जहाज को पानी में जाने के लिए, नहीं गया। जैसा ही ये कंगुड़िया उड़ी ना, ये सटाएं कि वहाँ से जहाज खुल दिया, और खुल जाने के बाद पूरा भारत दिल्ली से जितना भी हो रास्ते से आए, जितना भी जो पहले देवी स्थान हो भगवान का जहाँ पर पूजा होता था वहाँ पर वह नाव रुका, लेकिन वहाँ के जो भगवान थे उन्होंने बोला कि आपके यहाँ रहने से हमारा थोड़ा वैल्यू कम हो जाएगा उस समय की, इसलिए उनको बोला कि आप यहाँ से पधारिए, नहीं तो हमें पूजा आदमी कम आपको ज़्यादा, क्योंकि आपका यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से भी चल दिए। और इस जगह सिवरा में आकर यहाँ पर चूंकि किसी दरिया था पूरा, यहाँ पर आकर नाव रुक गया और यहाँ पर किसी भगवान का उस समय वास नहीं था, पवित्र स्थान था, इसलिए यहाँ पर रह गया। तब से यह चलते आ रहा है ना, शॉर्ट में हो गया। और इसके अलावा कुछ जानकारी जो कुछ रहस्यमय जानकारी है? अब इसमें तो लड़ाई भी हो गया है। अच्छा, लड़ाई भी हुआ है? लड़ाई भी है, लड़ाई है। सात झकारिया पीर है जी, उनसे इनको रहने नहीं देते थे। अच्छा, भगवानों को रहने नहीं? हाँ, इनको रहने नहीं देते। हड्डी लाकर रात में फेंकना शुरू कर दिया है, रात में शुगर कर दिए तो कोयला के सुमरे, सलेश कोयला है उनको सुमरे अमर सिंह, तो वो आ गए तो कहे कि बालक तुम्हारा साथ में हम नरक में रहेंगे, तुम्हें माया के सुगर बनाओ कि मियाँ के सब घर घर ठेल दो। भगवान बोल रहे थे? हाँ, वो अपने बोले हैं साफ कि इसको जब हमको तंग कर दिया तो जब तुम भी तंग करो, हम तो उसको बिगाड़ा था नहीं, मैं पहला बिगाड़ किया वो ने, तो ही लगा माया के सुगर बनाकर सब पूरा तोबा तोबा का सब भागने, सब एकदम चूल्हा चौकर सब तो खन उनका बिल्कुल कर, और पहले गाय गुरु फेंक दिए थे, इनका गुस्सा चढ़ गया अमर सिंह के, तो यह अपने माया से सुगर भगवा दी इनका पामर थे। मतलब कि मुस्लिम लोग गाय फेंक देते थे, फेंक देता था काट करके, हाँ मार कर इधर, हाँ तो ये अपना ये सुगर फेंकवाने लगे, सुगर के हौंक दिए, दौड़ा दिए, सहारा ले, बस सलेश दोष है। शुगर के मालिक सलेश रहे, अच्छा। तो वो शुगर लेकर दौड़लखिन ना, तब वो तोबा तोबा का के भगलखिन, अमर सिंह के दोस्त है। अमर सिंह का दोस्त कौन बोले? राजा सलेश, सलेश केवल रहखिन, एगो केवल बाबा अखनी हुआ आखिन, केवल स्थान, हाँ केवले शुगर के नियुक्त करलखिन रहिया। अच्छा, तो मतलब कि थोड़ा सा कहानी इसमें और रोचक होता गया कि इनको यहाँ पर आने के बाद जो दूसरा एक भगवान थे ना, दूसरा से सहारा ले, दूसरा से सहारा, क्योंकि दूसरे जो यहाँ पर भगवान थे उनको तंग करते हैं, गाय का जो मारकर फेंक दिया जाता था इनके पवित्र स्थान के आसपास, तो इन्होंने इनका जो दोस्त थे राजा सलेश उनका मदद लिया, और इन्होंने जो यहाँ पर गाय फेंकता था उनके इधर फेंकवा देते थे। ये शुगर, यही ना? हाँ, अभी शुगर, माया माया से माया शुगर बनाकर सब ऊँचा, ये तनी मनी लाख दो लाख बनाकर पूरा घर के तहस नहस कर दिए। अच्छा, यहाँ पर जब पूजा होता है तो कहानी के बारे में प्रचार किया जाता है? कहानी कौन है, कहानी नहीं निकलता है, वचन नहीं होता है, तो कैसे जानेगा हम लोग को? तो जानकारी तो इतना ही जानकारी था कि एगो कुआं है, कुआं में सोना के अथी है, नाव है, हाँ वहाँ पर है, सिक्कर खींचता कभी खत्म ही नहीं होता है। तब ये सब जानकारी आने वाला हम लोग को, आने वाला यहाँ पर जो अगल बगल बच्चा है, न जानकारी होगा तो कैसे चलेगा? हाँ, प्रवचन होना चाहिए, तो सब कुछ जानता है कि स्थान है, बनाए लखनऊ। चलिए और थोड़ा सा हम तो बाबा बताए यहाँ पर है, हम कुआं दिखाते हैं, चलिए आइए देखिए, ये वही कुआं है यहाँ पर, चलिए हम आ जाते हैं दिखाई देते हैं। अभी बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली के द्वारा इसे थोड़ा सा साफ किया गया है, यह वह कुआं है जिसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर ज्ञान माता है, जो सिक्कर देखिए यहाँ पर लगा हुआ है सिक्कर, अच्छा हाँ ये ज्ञान माता है यहाँ पर, और वह अमर सिंह स्थान जो बोलते हैं, अमर भगवान जो है वही है, और यहाँ पर सिक्कर लगा हुआ है। इसी सिक्कर के बारे में थोड़ा सा आइएगा इधर, दिखाइएगा इस सिक्कर जो है, सिक्कर जो है वहाँ पर लगा हुआ है, यही सिक्कर है जो बोलता है कि इस नाव से सोने का नाव जो बंधा हुआ है, और जो नाव है हम लोग जानते थे कि ये इस नाव में, लेकिन ये वहाँ पर है पवित्र स्थान पर, है ना? पवित्र स्थान पर नाव है, कितना भी इसको सिक्कर खींचिए खत्म ही नहीं होता है, सिक्कर खत्म नहीं होता है। तो इसके बारे में इतना जानकारी हम था, यही देखिए ज्ञान माता है ना, ये ज्ञान माता,
और ये अमर सिंह भगवान है, नाव पर हैं दोनों। वहाँ से बताया कि जैसे ये कितना भी नाव को धकेला गया वहाँ पर, लेकिन गए नहीं। जैसे ही भगवान ने एक कंगुरिया उंगली लगाया, नाव वहाँ से चल दिया। यही भगवान के बारे में कहानी है और यही ज्ञान माता है। इन्होंने पुष्प लेकर आया, घर में रखा है, उनके पुष्प जो लेकर आए उनसे यह भगवान बालक बन गए। और उसके बाद ये कहानी तो सुन ही लिया आपने। थोड़ा सा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल का जो नौजवान होता है उसको यह जानकारी नहीं है। और हम लोग बाबा से भी आग्रह करते हैं कि थोड़ा प्रवचन कराइए ना, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की ज्ञान की बच्चों में जो है, आज का जनरेशन है उसको जानकारी नहीं है। जी हाँ, जिसका अगला पीढ़ी जो आवे से उसका जानकारी होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। चलिए, तो हम आप देख रहे हैं, हाँ सिक्कर हम दिखाएं, सिक्कर एक बार और दिखाइएगा, वो सिक्कर है, एक बार और दिखा दीजिए, हाँ थोड़ा जूम करके दिखाइए अगर सो, हाँ ठीक है ठीक, सिक्कर दिखा ना हो गया, देख लिया, सिकर मिल गया। हाँ, तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चूंकि जो दादाजी यहाँ पर बताए हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। और हम तो आग्रह किए ही हैं कि इस बार 10 अप्रैल को है अगला महीना, हाँ, मेला लगता है भारी। हाँ वो तो, हाँ मेला तो यहाँ पर लगता है। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ पर सावन में ही लगता है, सावन में। अच्छा, ये अपना बिहार से कि अलगों से आता है? जब आप बहुत 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 दूर से आदमी आता है, नेपाल से, नेपाल उपाल सब धरे हुए, नेपाल उपाल ओपी बिहार सब से, सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आता है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। हाँ एकदम, तो देखिए पूरे भारत में, क्योंकि कहानी जब आप बताएं कि बालक का दिल्ली से स्टार्ट हुआ है, तो उस जहाँ जहाँ भगवान रुके होंगे उस सब जगह का आदमी आता होगा। और है कि इनका सेवा झाड़ू मारता है कोढ़ी, कोढ़ी कोढ़ी जो जिसका फूट जाता है, इसको झाड़ू मारने से एकदम कुष्ठ रोग कहता है उनको सुमरण हो जाता है। यहाँ पर एकदम कंचन हो जाता है झाड़ू झाड़ू मारने से, पूजा करता है, साफ सुथरा करता है, आत्मा से साफ, आत्मा से उसका जो है दूर पूरा दुख एकदम खत्म हो जाता है। एक बड़ी बात है कि भगवान, हम तो इतना जानते हैं कि गंगा स्नान जो करता है रोज, उसको किसी प्रकार का चर्म रोग हो या कोई बीमारी नहीं होता। लेकिन ये एक और बात बता रहे कि यहाँ पर जो मन से झाड़ू लगाता है उसको जो भी बीमारी हो, दुख दर्द हो, सब दूर हो जाता है, पूरा दूर होता है इनका। कुछ चीज इसको इनका से खाली भभूत खाली इसको मिलेगा, बस हो गया। हाँ, अभी भी हम जानकर कि बोल, जैसे अभी मुजफ्फरपुर से आए हुए थे कुछ, हम आए तब तक वो चले गए थे, दूर दूर से यहाँ पर आदमी आते हैं दर्शन करने के लिए। और अभी देखिएगा काफ़ी भीड़ होता है, हम जब छोटे थे तो इस जगह आते थे बहुत दूर से, लगभग काफ़ी संख्या में भीड़ रहता है रोड पर। और पानी पिलाने के लिए हम लोग छोटे थे तो पानी पिलाते थे, जो आदमी दूर दूर से आता था हम रोड में पानी लगा कर पिलाया करते थे। तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और बोले कि जल लेके जो है ना यहाँ पर जो है से रामनवमी के दिन जैसे मैं यहाँ और पूरा बाजा वगैरह के साथ जैसे अपना जैसे अपना छोटी से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एक प्रवचन जैसा बोले ना बाबा, इतना अगर कोई महंत आकर के चाहे आप खुद इसको विस्तार किया जाए तो ज्यादा लोगों में, चाहे जो आज का युवा है, ये बगल सबका बच्चा है, जानकारी नहीं होगा इतना कहानी। हाँ, नहीं जैसे बाबा मर जाएंगे तो फिर हम क्या जानेंगे, ऐसे कुछ प्रवचन होगा तो जो अगला पीढ़ी तक आदमी जानेगा, इसलिए। चलिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।